ओम शांति। बाबा कहते संस्कार मिलन की रास करो, जिसके लिए बाबा युक्ति बताते। सदैव यही कोशिश करनी है कि मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदाई हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। संस्कारों को मिलाने के लिए दिलों का मिलन करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ भी भूलना पड़ेगा, कुछ मिटाना पड़ेगा और कुछ समाना पड़ेगा। यह मेरे संस्कार हैं। यह शब्द भी मिट जाए, इतने तक मिटना है जो पुरानी नेचर बदलकर ईश्वरीय नेचर बन जाए, अर्थात हम बच्चों का। यह ईश्वरीय जन्म है। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को ब्राह्मण बनाया, अर्थात पुरानी दुनिया से, पुराने स्वभाव संस्कार से हम मर गए। अब यह हमारा नया मर जीवा ब्राह्मण जन्म है। तो संस्कार भी ईश्वरीय, नेचर भी ईश्वरीय, चाल चलन, रहन सहन सब कुछ ईश्वरीय हो। इसके लिए पुराने का अंश अंश मिटा देना है और खुद को नए अनादि संस्कारों के स्वरूप में स्थित कर लेना है। यही संस्कार मिलन का आधार है। तो आज अमृत बेला में हम विशेष स्वमान लेंगे। मैं आत्मा मालिक, राजयोग की सिद्धि प्राप्त करने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। मैं आत्मा राजयोग की सिद्धि प्राप्त करने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। जब अमृत बेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो हमारा अनादि और आदि स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई देगा। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा चैतन्य चमकदार सितारा, इस पांच तत्वों की देह में मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो। अपनी ईश्वरीय शक्तियों को चारों ओर बिखेर रही हूं। साक्षी हो जाएं, देखें अपनी देह को और अपने स्वरूप को।
स्वयं से बातें करें और महिमा करें स्वयं की। हे आत्मा, आप तो बहुत सुंदर हो, आप बहुत शक्तिशाली हो, आपका ओरिजिनल स्वरूप तो बहुत ही आकर्षक और न्यारा है। आप इस देह के भान में आकर स्वयं को भूलकर कुरूप बन पड़ी हो। माया रूपी 5 विकारों के इस माया जाल में फंसकर काली हो गई हो। आपका वास्तविक स्वरूप ऐसा नहीं था। तो अनुभव करें मैं आत्मा मालिक। राज योग की सिद्धि प्राप्त करने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। मैं आत्मा मालिक,
राजयोग की सिद्धि प्राप्त करने वाली। सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। मैं आत्मा मालिक, राजयोग की सिद्धि प्राप्त करने वाली। सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। पुनः साक्षी हो जाएं, देखें अपनी देह को और अपने स्वरूप को। प्रकृति सिंहासन पर चैतन्य चमकदार सितारा। बातें करें स्वयं से, स्वयं ही स्वयं की महिमा करें। हे आत्मा, आप बीज रूप निराकार परम पिता परमात्मा शिव की। अजर अमर अविनाशी संतान मास्टर बीज रूप हो। जब आप संपूर्ण सत्वप्रधान अवस्था को प्राप्त कर रही थी, तो आप में सृष्टि चक्र के आदि, मध्य और अंत का संपूर्ण ज्ञान इमर्ज रूप में था। आप ही स्वदर्शन चक्रधारी के सोमान से अलंकृत हुआ करते थे।
आपका आदि स्वरूप देवताई स्वरूप। संपूर्ण सतोप्रधान डबल अहिंसक सर्वगुण संपन्न था। आप विकारों की हिंसा व बाहुबल की हिंसा वाणी व कर्म द्वारा की जाने वाली हिंसा से पूर्णतया मुक्त थी। अर्थात किसी भी प्रकार की हिंसा से पूर्णतया इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप में थी। आपकी दृष्टि रूहानी दिव्य व अलौकिक हुआ करती थी। यह तो माया का परछाया पड़ जाने से विकारो रूपी रावण के वश हो जाने से आप अपना सतीत्व पवित्रता सुख शांति का वर्षा गवाकर अत्यधिक दुखी व अशांत बन पड़ी हो। इस विकारों से भरी दुनिया में भी आप समान
हितकारी, सहयोगी, विशाल बुद्धि, निश्चल और कोई भी नहीं। विकारों की दुबन में फंसकर आप अपने अनादि सो आदि सतो प्रधान स्वरूप को भूल गई थी। अब सतो प्रधान सिद्धि स्वरूप बनाने वाले पिता परमात्मा शिव ने स्मृति पक्की कराई है। कि मैं आत्मा मालिक हूं कर्मेंद्रियों की। मैं आत्मा मालिक हूं मन बुद्धि और संस्कारों की। तो अनुभव करें मैं आत्मा मालिक। राज योग की सिद्धि प्राप्त करने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। मैं आत्मा मालिक। राज योग की सिद्धि प्राप्त करने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। मैं आत्मा मालिक।
राजयोग की सिद्धि प्राप्त करने वाली। सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। पुनः साक्षी हो जाएं, देखें अपनी देह को और अपने स्वरूप को। पांच तत्वों की देह में प्रकृति सिंहासन पर चमकता सितारा। स्वयं ही स्वयं से बातें करें और महिमा करें स्वयं की। अब संगम युग की इस श्रेष्ठतम बेला पर बीज रूप पिता परमात्मा शिव फिर से आपको वही सत्य गीता ज्ञान अर्थात श्रेष्ठ श्रीमद देकर राजयोग की विधि द्वारा संपूर्ण सत्वप्रधान बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। सो हे आत्मन अब जागो। अज्ञान रूपी निंद्रा को त्याग कर आलस्य और अलबेलेपन को त्याग कर
परमात्मा शिव द्वारा दिया जा रहा सत्य गीता ज्ञान। स्वयं में धारण करो और सर्व आत्मा भाइयों को धारण कराओ। अपना कल्प कल्प का अविनाशी स्वर्गिक राज्य भाग्य का। अधिकार प्राप्त कर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो। पहले स्वयं का परिवर्तन करो, फिर औरों को परिवर्तित करो। बाबा कहते एक एक आत्मा तक बाबा के महावाक्यों को पहुंचाओ। बाबा कहते मैं कल्प 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 के संगम युग पर इस धरा पर अवतरित होकर वही सत्य गीता ज्ञान सुनाता हूं। जिसे सुनकर साधारण मनुष्य देव पद को प्राप्त करते हैं। तो अनुभव करें स्वयं को, मैं आत्मा मालिक। राज योग की सिद्धि प्राप्त करने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। मैं आत्मा मालिक। राज योग की सिद्धि प्राप्त करने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं आत्मा मालिक।
राजयोग की सिद्धि प्राप्त करने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। अच्छा, कल अमृत वेले में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ और नए स्वमान के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।